bell icon on YouTube and never miss another update from TV Times. Hi, I'm Mahira Sharma and you're watching timesofindia.com. मैं बहुत खुश हूँ और खुद को लकी मानती हूँ कि मैं ये सीज़न में आई जो अभी तक का सबसे बेस्ट और हिट सीज़न है और टॉप सेवन में पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा मिडनाइट एविक्शन हुआ था जो मुझे टॉप फोर का ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ इट्स ओके बट टॉप सेवन तक जाना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने इतने वाइल्ड कार्ड्स को बीट किया उन्हें निकाला और डे वन से थे 4.5 महीने एक ही घर में सो बहुत एक्साइटिंग था दोस्ती है क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो मुझसे शादी करोगी शो कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यार की शादी अब मैं नाचूंगी और जो लोगों के सवाल थे कि आप में कुछ चल रहा है या कुछ है वो अब क्लियर हो जाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है वो प्योर दोस्ती थी फीलिंग्स इन द सेंस सी वो मुझे अच्छा लगता है बट मैं वैसे उसके साथ कुछ नहीं सोचती कि वो मैं उससे बॉयफ्रेंड बनाऊँ या वो मुझे गर्लफ्रेंड बनाए ऐसा कुछ नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैं था और रिलेशनशिप में और अभी वो शादी करने जा रहा था मैं एक्साइटेड हूँ वो मुझे अच्छा लगता है बट एज ए फ्रेंड दैट्स इट मैं ना बहुत लॉयल हूँ तो मुझे लॉयल दोस्त पसंद है हर चीज़ मुझे लॉयल्टी चाहिए होती है तो उसकी तरफ से कोई लॉयल्टी कभी थी ही नहीं जैसा आपने सुना होगा शी सेड के दोस्त तो कभी थे ही नहीं तो जब नहीं थे तो फेक लोग की ज़रूरत मेरी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली मेरे वो रॉन्ग डिसीजन था कि मैंने दिल से समझा उसे पर ऐसे ऊपर से ठीक है जो वो करती है फ्लिप वो उसके लिए बेटर है बट मेरे लिए नहीं आई एम वेरी लॉयल तो मैं लॉयल्टी चाहती हूँ शहनाज आई सेड कि लॉयल्टी जो बाकी मेरे साथ मुझसे झगड़े करते थे वो मुँह पे थे कि वो मुझे पसंद नहीं करते तो वो ठीक है और जो मेरे साथ थे जो मुझे पसंद करते वो मेरे साथ हैं सिद्धार्थ पारस आसिम भी बट शहनाज कभी अच्छा दिखाती है कभी दोस्ती तोड़ देती है तो वो चीज़ मैं नहीं ले सकती क्योंकि मुझे लॉयल्टी चाहिए और एक फ़्लो चाहिए होता है मेरा फ्लो टूटा तो मेरी चीज़ें टूटी तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं जाऊँगी क्योंकि पता नहीं ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी अंदर से तो सपना टूट गया तो मैंने उधर भी कहा था कि ओ शिट मेरा सपना टूट गया तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये रिग्रेट है मेरा इस सीज़न का जो मैं अभी भी स्टेज पे बैठी थी कल मुझे रोना आ रहा था इसलिए इट्स ओके जितना होता है किस्मत में जो मिला अच्छा है दोनों को सिद्धार्थ को और आसिम को भी क्योंकि वो मेरे वहाँ से है ना भाई जैसे तो हाँ जिन्होंने देखा है अब जो पसंद करेंगे जिस चीज़ के लिए ऑफ़र करेंगे तो जो अच्छा लगेगा तो वो करूँगी जो मतलब लोगों को लगेगा कि मैं कर सकती हूँ जो ऑफर्स आएंगे उसको करूँगी ऑफ़ कोर्स शादी में नाचने कौन आएगा मैं ही जाऊँगी डेफिनेटली रहूँगी